How to download YouTube Kids. First go to Play Store. Type I am download YouTube Kids. You too download this one. YouTube Kids. Install YouTube Kids and open. एक तालाब में दो मछली रहते थे। उन्हें तालाब के बाहर रहने वाले दो केंचुओं से दोस्ती हो गई। मछलियों को उन केंचुओं को देखते ही उन्हें खाने का मन करता है, लेकिन पता नहीं क्यों उनके बीच दोस्ती पनपी। दोनों केंचुओं ने तालाब के किनारे अपना निवास बनाया। रोज शाम के समय दोनों मछली तालाब के किनारे उन केंचुओं के पास जाकर उनसे बातचीत करते थे। बोलो दोस्त, कैसे हो? हमारा क्या है? बहुत अच्छे हैं। आपका क्या हाल है? क्या करें मित्र, आज हमें खाने कुछ नहीं मिला, बहुत थक गए हैं। बारिश ना होने के कारण तालाब दिन ब दिन सूख रहा है। इसी तरह रहा तो कुछ दिन में तालाब सूख जाएगा और हम मर जाएंगे। इस तरह बात मत करो दोस्त, बारिश होगी, हमारे भाग्य बदलेंगे, चिंता मत करो। हम भी उसी आशा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसी दिन का इंतजार है। विश्वास रखो और बेफिक्र रहो, बारिश जरूर होगी, हमारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन केंचुओं ने अपने लिए लाए भोजन को उन मछलियों को दे दिया। मछलियों ने खाकर रात होने के कारण वापस चले गए। इन दोनों मछलियों में एक का नाम चुन्नी, दूसरे का नाम मुन्नी था। एक केंचुए का नाम पिंकू, दूसरे का नाम टिंकू था। एक दिन पिंकू नाम का केंचुआ तालाब में पानी पी रहा था। बड़ी मछली आकर उसे उठाकर खाने के लिए तालाब में लेकर चली गई। पिंकू जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, चुन्नी मुन्नी कहाँ हो तुम? ऐसा कहकर चिल्ला रही थी। उसके चिल्लाने की आवाज से चुन्नी वहाँ आई और उस बड़ी मछली को रोका। चुन्नी, रास्ते से हटो, बहुत दिनों के बाद यह केंचुआ मेरे हाथ लग गई, इसे खा लूंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं, टिंकू मेरी अच्छी दोस्त है, तुम्हें खाने नहीं दूंगी, चुपचाप उसे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, क्या कर लोगी? तुम्हें मार कर मैं अपने दोस्त को बचाऊंगी। उसे ऐसा कहते देख बड़ी मछली ने उस पर वार करना शुरू किया। बहुत देर तक उन दोनों के बीच लड़ाई हुई।
लड़ाई में चुन्नी की ही जीत हुई। बड़ी मछली दुम दबाकर भाग गई। केचुए ने चैन की सांस ली और ऐसा कहा, तुम्हारा बहुत आभार दोस्त, तुमने मुझे बचाकर बहुत उपकार किया है। मैं तुम्हारे उपकार को इस जन्म में नहीं भूल पाऊंगा। उतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो दोस्त, मैंने अपने दोस्ती का फर्ज निभाया है। बस मुन्नी सो रही है, तुम्हारे चिल्लाने की आवाज से मैं जाग गई, पर उसकी नींद नहीं खुली। दोस्त, अगर तुम नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं होता। ठीक है, लेकिन अब से तुम्हें सावधान रहना होगा, समझ में आया? ठीक है मित्र। इस तरह कहकर केचुआ तालाब के किनारे चले गया। कुछ दिन बीत गए। उस साल अच्छी बारिश हुई और सभी तालाब और गड्ढे भर गए। तब मछली और केचुए ने मिलकर एक त्योहार की तरह उत्सव मनाया। इतने दिनों बाद बारिश हुआ और हम बच गए, नहीं तो हम मर जाते हैं ना? हाँ, अब हमें खाने की कोई कमी नहीं होगी, हम आराम से रह सकते हैं। उस दिन से मछलियाँ और केचुए खुशी खुशी रहने लगे। बड़ी मछली को उन दोनों की दोस्ती देखी नहीं गई। तुरंत उसने मछली से कहा, तुम लोग क्या उन दो मुंह वाले केचुए से दोस्ती कर रहे हो? तुम्हारे लिए सुनकर सब हंस रहे हैं। हम उन्हें अपना आहार बनाकर खाते हैं, हमें उनसे दोस्ती कैसा? वो सब छोड़ो, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। मैं क्या करूँ, चुन्नी ने उनसे दोस्ती की, मुझे तो उन्हें देखते ही खा लेने का मन करता है, लेकिन दोस्ती के नाम पर चुप रहती हूँ। उन केचुओं से दोस्ती छोड़ दो, तुम्हारे दोस्ती के कारण केचुओं को ना खाने का आदेश दिया गया है, इसलिए अगर तुम लोग उनसे दोस्ती छोड़ दोगे हमें भोजन की कोई कमी नहीं होगी, क्या बोलते हो दोस्त? मुन्नी उसकी बातों में आ गई। मुन्नी उस बड़ी मछली के बातों के बारे में सोचने लगी। अब आगे कुछ मत सोचो और हाँ कह दो, बाकी क्या करना है वो मैं देख लूंगी। मुन्नी पूरी तरह से उसकी बातों में आ गई। अगर चुन्नी को इस बात का पता चला कि मैं केचुओं के साथ दोस्ती छोड़ रही हूँ तो वो बिल्कुल नहीं मानेगी। इस बात को छुपा कर रखना पड़ेगा और अपना काम करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर मुन्नी ने बड़ी मछली के साथ हाथ मिलाया। उस दिन से दोनों मिलकर उपाय बनाने लगे। के साथ मत घूमो, वो कितना क्रूर है तुम्हें मालूम है ना? उसने हमारी प्रिय दोस्त की जान लेने की कोशिश की, उससे तुम्हारे क्या काम? एक दिन पानी पीने के लिए आए केचुओं के बच्चों को मुन्नी और बड़ी मछली ने मिलकर खा लिया। उन्हें ऐसा करते थे, पिंकू ने ऐसा कहा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने बुरे हो, मेरे बच्चों को खाने का तुम्हारा मन कैसे हुआ? रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसे ऐसा कहते देख मुन्नी को डर लगने लगा। अगर इस बात का पता चला तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ऐसा सोचकर उसने तुरंत पिंकू को भी पकड़ लिया। पिंकू ने ऐसा कहा, मुझे भी खा लोगे? इतने दिन की दोस्ती करने के बाद भी मुझे खाने का मन कैसे हो रहा है? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे एहसास हुआ है कि केचुओं के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें भी खा लूंगा। उसके साथ बात करके वक्त जाया मत करो दोस्त, उसे तुरंत निगल लो। बड़ी मछली के ऐसा कहते देख पिंकू केचुए को निगल गई। शाम को घर लौटकर बच्चों और पिंकू को ना पाकर टिंकू बहुत घबरा गया। तुरंत तालाब के किनारे पहुंचकर मुन्नी को पुकारा, दोस्त मेरे बच्चे और टिंकू दिखाई नहीं दे रहे हैं।
थोड़ी देर इंतजार करो, शायद लौट आए। ऐसा कहकर मुन्नी तालाब में चली गई। उस बड़ी मछली के साथ घूम रहे मुन्नी के ऊपर चुन्नी को शक हुआ। उसने दोनों मछलियों को सबक सिखाने की ठान ली। तुरंत उसने इस बात को टिंकू को बताया। इस बात को सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। कल शिकारी आ रहा है, उसके जाल में उन दोनों को फंसा दो, उनका पीछा छूटेगा। चुन्नी उन दोनों मछलियों के पास गई और उन्हें बुला फुसला कर